So hey travelers, this is Madhu and this is Gunjan signing in today from Goa. So aaj hum hai ek budget friendly 5-star property jo ki Doubletree by Hilton Arpora wahan se ye vlog bana rahe hain. और ये प्रॉपर्टी आपके जो मेन बीचेस हैं जैसे कि अंजुना बागा कैलिंगोट उन सब से बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. मोस्टली एवरीथिंग इज अराउंड 2-3 किलोमीटर. वॉकेबल नहीं है बट स्टिल यू नो अगर आपके पास अपनी खुद की स्कूटी कार है तो ये आप बहुत ही इजीली यहाँ से जा सकते हैं या आप कैब करके भी जा सकते हैं. And as Madhur said, a budget friendly 5-star, but frankly if you ask me it's not a 5-star, but you know somewhere close to a 3-4 star is what I'll say. So, अगर आप हमारे बैक साइड पे देखेंगे तो ये पूरा आपको एक पुर्तगीज आर्किटेक्चर पे ये पूरी प्रॉपर्टी का थीम मिलेगा एंड सारे रूम्स आपके ये पूल फेसिंग हैं. सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी. कुछ रूम्स आपके विद बालकनी हैं, कुछ विदाउट बालकनी हैं. यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हाई फ्लोर्स नहीं है. एज मदर सेड इट्स अ पुर्तगीज आर्किटेक्चर व्हिच इज देयर. तो ओनली 4 फ्लोर्स आर देयर. सो इस प्रॉपर्टी को as we typically follow, so अब डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. और बारिश होनी शुरू हो गई है. चमा चम चम चम. बस आ जाओ आप इस वीडियो. सो पहले हम रूम का अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस करें तो रूम में बेसिक एमिनिटीज सारी मिलेंगी. कोजी है, कंफर्ट है. बट इस रूम के अंदर प्रॉब्लम ये है सुबह जैसे हम ऑटोमेटिक एक अलार्म मिल गया था. आई मीन हम या वो भी माता के भजन क्योंकि आज नवरात्रे का फर्स्ट नवरात्र है तो किसी ने बहुत धूमधाम से बहुत तेजी से माता के भजन लगाए हुए थे फुल वॉल्यूम पे. तो वी गॉट अप विद दैट जबकि हमने सोचा था क्योंकि हम 4-5 बजे सोए थे. हमने सोचा था हम लेट उठेंगे बट जय माता दी. लोकेशन पे एक बार मैं वापस आता हूँ. ये जो प्रॉपर्टी है ना ये आपके रेजिडेंशियल एरियाज और कॉम्प्लेक्स के बीच के अंदर है तो एकदम आपको रोड के अंदर से वैसे विजिबल भी नहीं होगी. एकदम सडनली ये प्रॉपर्टी आ जाएगी तो उसका डिसएडवांटेज अभी जो हमने बताया था वो ये था क्योंकि मंदिर आई थिंक साथ में है या लोगों ने बहुत ही तेज वॉल्यूम पे ये जो भजन लगा रखे थे तो आपका डायरेक्ट आपकी जो कानों के अंदर वो आ रहा था. तो ये किस प्रॉपर्टी का डिसएडवांटेज भी है. और अभी भी जहाँ पे हम खड़े हैं बिल्कुल एडजेसेंट है. सिर्फ टाप के आप दूसरी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं. प्रॉपर्टी कॉल्ड रिवेरिया उसमें बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है. अब लोकेशन चेंज करते हैं. बारिश आ रही है. अब हम ये पोल के साथ खड़े हुए हैं दोनों छाता पोल डांस करते हुए. सो कमिंग बैक टू द वीडियो गाइस अगर अब हम यहाँ पे एक्टिविटीज की बात करें सो विद इन द प्रॉपर्टी आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए नहीं मिलेंगी. आपके बेसिक यहाँ पे बोर्ड गेम्स कह लो और पूल स्नूकर एंड ये सारी गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. बट आई एम जस्ट थिंकिंग अगर आप गोवा में हो तो आपको एक्टिविटीज करनी ही क्यों है. गो आउट एक्सप्लोर द बीचेस एक्सप्लोर द कैफेज. सो आई थिंक नो क्वॉम्स फॉर नॉट हैविंग द फैसिलिटीज बिकॉज 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बीचेस हैं. प्लीज गो एंड एक्सप्लोर दैट. देन यहाँ पे स्विमिंग पूल तो है ही है. इसके बियॉन्ड अगर हम अब फूड की अगर बात करते हैं सो फूड में हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया था तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है. मतलब दो इट्स अ 5-star 1 एंड मे बी जो बजट 5-star नहीं है जो बजट वाला टैग आ जाता है उसकी वजह से ना आपको एक जो बुफे स्प्रेड है वो उतना लेविश नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे. बट आपके खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक नॉर्थ इंडियन से लेके साउथ इंडियन तक और चाइनीज वगैरह ऑप्शन सारे होंगे. बट द स्प्रेड इज वेरी लिमिटेड. जैसे अगर फ्रूट की बात करें तो सिर्फ वाटरमेलन था, कुछ और नहीं था. नहीं, मस्कमेलन भी था. मस्कमेलन एंड वाटरमेलन था. मस्कमेलन शायद खत्म हो गया होगा जब मैं आ गया था बाद में. सो स्प्रेड इज नॉट ह्यूज बट ऑप्शंस अवेलेबल सारे हैं. क्वालिटी ऑफ फूड की अगर बात करें तो इट इज एवरेज. आई वुड से नॉट टू गुड नॉट टू बैड. खाया गया बट रिलिश नहीं किया गया. तो लेकिन अगर आप इसको प्राइस पॉइंट के कंपैरिजन में देखते हैं तो आई थिंक इट्स अ वैल्यू फॉर मनी डील बिकॉज बाकी यू नो वी वर एक्सप्लोरिंग अदर प्रॉपर्टीज बिफोर बुकिंग दिस. सब 10,000 प्लस की रेंज में थी एंड हमें सिर्फ यू नो वी जस्ट हैड टू स्पेंड द नाइट. सो वी डू नॉट वॉन्ट टू स्प्लर्ज दैट मच. So I think this was a value for money deal for us. So total हमें जो पड़ा था हमें 5,500 के आसपास पड़ा था. That too on a 2nd October night which is considered to be a long weekend वाला type. हाँ जब विजय सरगांवकर ने पाव भाजी खाई थी और सत्संग देखा था. हमें भी देखना है और हमें भी पाव भाजी खानी है लेकिन हमने कोई मर्डर नहीं किया. So make my trip पे देखोगे तो आपको 6,500 के आसपास ये मिल जाएगी प्रॉपर्टी. So that's why I said budget है 5-star कोटेड है
तो बाकी आप पूरी अपना और देख सकते हो यहाँ। अब हम अपने PMFT 100 स्कोर कार्ड की बात करें तो जल्दी से क्विकली एक स्कोरिंग दे देते हैं। लोकेशन 20x20 नहीं 16x20 इज इट। सो लोकेशन 16x20 इसलिए है क्योंकि ये बीचेस के पास है बट बीच पे नहीं है। सो आपके अंजुना कैलिंग बागा आप तीनों जा सकते हो बट ऑन द बीच ये प्रॉपर्टी नहीं है। सो थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा आपको बीच जाने के लिए बट दैट्स ओके इट्स वर्थ इट। रूम अगेन आई वुड से 15 or 16 आई वुड से बिकॉज़ ऐसे कोई भजन अगर नहीं बजे होते तो हां इसको 18 दे देते हैं हम इसे बट क्योंकि वो हमारे लिए एक अलार्म स्पेशल अलार्म बजा था तो 15 इज व्हाट आई थिंक 15 इज ओके। तो और हाँ एक नेगेटिव है वैसे तो कोई काम करने के लिए नहीं आता है गोवा लेकिन यहाँ पे डेस्क नहीं है वर्किंग डेस्क नहीं है रूम में। सो मतलब जैसे मेरे को अगर वीडियोस कॉपी पेस्ट और एडिट करने थे थोड़े से तो मेरे को जगह ही नहीं मिली थी कि मैं बैठ के कहाँ पे करूँ तो इवेंचुअली आई हैव टू सिट ऑन द बेड एंड डू इट। तो 1 माइनस उसके लिए भी तो 15। फूड अगेन 15 के आसपास बिकॉज़ वैरायटी नहीं है टेस्ट भी ओके टाइप्स था तो बाकी बहुत फर्स्ट टाइम मैंने वाटरमेलन जूस फीका पिया है फीका वाटरमेलन बट उसका कॉम्पेंसेट उन्होंने कॉफी में कर दिया था राइट। इतनी मीठी कॉफी दोनों को मिक्स करके पीना पड़ता। प्राइस में 20x20 यस आई थिंक दिस इज वैल्यू फॉर मनी। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल रात को 2-3 बजे तक हम लोगों ने बहुत सारे होटल्स में कॉल करा है तो इसलिए प्लानिंग वो ऐसे क्यों भटक रहे थे। वन इज की हम घूम रहे थे दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट हम व्हिच इज अ हैप्पी स्टोरी बट क्यों भटक रहे थे इज अ मिस्ट्री दैट विल बी शेयरिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो टू से स्टे ट्यून्ड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड लास्ट एंड और ये हम कैसीनो से जीतने की बात कर रहे थे ये इसे सुबह-सुबह पिया है कुछ नहीं है बट बैगी बातें कर रही हूं क्योंकि मैंने कल कैसीनो में जीता यिप्पी। सो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं क्विकली। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो ओवरऑल स्टे है उसकी अगर हम बात करें तो अगेन यू नो इट्स अराउंड 16 कोई इसमें कमी नहीं है बट कोई बहुत मज़ा भी नहीं आ रहा था तो इट्स अराउंड 16 तो अगर हम टक 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 कैलकुलेट करें टोटल तो हमारे 82 के करीब बनेंगे व्हिच इज नॉट अ बैड नंबर बट व्हिच इज नॉट अ गुड नंबर ईदर। सो देन दिस कुड बी अ गुड प्रॉपर्टी फॉर यू इफ यू ओके स्टेइंग अ लिटिल फार ऑफ फ्रॉम मे बी 2 kilometers अवे फ्रॉम द बीच दिस इज अ प्रॉपर्टी फॉर यू। If you don't want to be in a suffocated hotel environment, then this is a property for you. बहुत खुला-खुला feel है, Portuguese architecture है, खुला feel है. So all of these things, if these are the things that you want to do, then it could be a good property for you. But at the same time, if you want to stay in a beach property, आपको अपने room से sea का view चाहिए, because आप गोवा में हैं, और आपको luxury चाहिए, और माता के भजन नहीं activities चाहिए, और आपको सुबह-सुबह माता के भजन से नहीं उठना है, residential area के बीच में नहीं रहना है, then this is not a property for you. So, you know, the choice is all yours. वैसे हम यहाँ से अब दूसरी प्रॉपर्टी में जाने वाले हैं। Now our actual planned stay would start. So stay tuned till we share that where are we going next. But by then, any clues? If okay. So, leave us a comment. Bye-bye. So, bye-bye. This is Madhur. And Gunjan signing off from Doubletree by Hilton. But we are going to be in Goa. Bye-bye.